कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव गंगचोली में गैस सिलेंडर फटने से महिला की हुई मृत्यु के साथ पति सहित तीन बच्चे हुए घायल। आपको बता दें, घटना कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव गंगचोली की है, जहां गांव के रहने वाले बसंत लाल की पत्नी लता घर में खाना बना रही थी, तभी अचानक गैस लीक होने के कारण सिलेंडर फट गया। घटना के फलस्वरूप घर में मौजूद बसंत लाल, उसकी पत्नी लता व बच्चे झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गए। वही धमाके की आवाज सुन आसपास के ग्रामीण बसंत लाल के घर की तरफ दौड़ पड़े, जहां ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने लता को मृत घोषित कर दिया। वही घायल तीन बच्चों को डॉक्टरों ने अलीगढ़ मेडिकल रेफर कर दिया। घटना के बारे में ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया। किस गांव का मामला है? गंगचोली। थाना कौन सा पड़ता है? थाना हाथरस जंक्शन। क्या बात हुई? ये पूरा परिवार अपने घर में अंदर था, खाना बनाते समय अचानक सिलेंडर लीक हो गया और तुरंत आग लग गई और छत पर सब उड़ गई। हाँ, शाम करीब 7:15 बजे ग्राम गंगचोली थाना क्षेत्र हाथरस जंक्शन से एक घरेलू गैस सिलेंडर में विस्फोट होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल थाना हाथरस जंक्शन पुलिस व फायर सर्विस की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य किया। इस दुर्घटना में एक महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई है तथा उसका पति व 5 बच्चे घायल हैं, जिन्हें तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।